मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 194.8 करोड़ की लागत से निर्मित 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का उद्घाटन किया। वे 100 बेड के मातृ शिशु भवन का भी उन्होंने उद्घाटन किया। 2100 बेड के नए अस्पताल का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। डीएमसीएच जल्द ही बड़ा अस्पताल बनेगा। इस अस्पताल को 2,742.4 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष 250 छात्रों के लिए नामांकन के लिए मेडिकल कॉलेज भवन का भी निर्माण होगा। उद्घाटन और शिलान्यास के इस मौके पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के साथ मंत्री संजय झा, मदन सैनी, ललित यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। को लगा एक तो बड़ा अच्छा है, इस शहर का कितना ज्यादा विस्तार हो जाएगा, तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज्यादा ऊंचाई ऊंचाई तो करवा ही रहे, 4 लेन बनवा रहे हैं पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा कि जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। आप देखिए कितना बढ़िया, चारों तरफ से लोग इलाज कराने के लिए, हर जगह से लोग इलाज के लिए आवेगा, नेपाल तक से इतना बढ़िया से, नेपाल से लेके कहीं भी बाहर से बहुत सुविधा होगी। वहीं पर हम लोग बहुत तेजी से कह रहे हैं काम करके, तो अभी उसको करके भेज दिया जाएगा, फिर अब वो एग्री कर गए हैं, हो जाएगा तो तत्काल शुरू करेंगे, लेकिन शुरू जो करेंगे उसके पहले हम लोग को विस्तार तो कर ही ना देंगे, तब लोग बनाएंगे, तो राज्य सरकार ये दे ही देती है ना। दुनिया 21वीं सदी में